हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. आई एम ब्रजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी. बेटा, 10th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें कि दो वीडियो हमारी पहले आ चुकी हैं और ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर. और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की, देखो डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है. अब उसके बारे में ये देखेंगे कि वो एक ऑर्गेनिज्म से भी पॉसिबल है या नहीं है, या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से पॉसिबल है, या कैसे क्या चीज़ें हैं वो आप इधर देखेंगे. तो रिप्रोडक्शन का जो है डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया था आपको, अगर आपको याद हो तो आप लोग रिकॉल कर सकते हैं उसको. जैसे व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच द पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू बेबीज as similar to them or themselves, ठीक है. And the new baby that can be similar or identical. Clear हुआ? Similar मैंने क्यों use किया था वो भी last video में बताया मैंने, identical क्यों use किया मैंने वो भी बताया last video में, ठीक है. तो reproduction का हमें पता चली गया था, तो अब इतना revision हो चुका है, अब इससे आगे बढ़ते हैं. reproduction किस किस तरह से हो सकता है? reproduction बेटा दो तरह से हो सकता है. reproduction process can be completed by two ways. First one is asexual reproduction, और second one कौन सा बेटा? sexual reproduction. आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए, आप इसको देखिए. एक बार में वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आता है तो एक बार और अगर आप देख लेंगे तो ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ आपको, ये पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और क्या क्या चीजें इस चैप्टर में आ रही है. रिप्रोडक्शन हमें पता चली गया था इसलिए मैं वहां पर ना करके उसे स्किप कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ. रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन कंप्लीटेड दिस प्रोसेस. इसमें एक सिंगल बॉडी ऑफ पेरेंट एक पूरे के पूरे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड उसी के अगेंस्ट जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, इसके लिए दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन टाइप देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स और टू पेरेंटल बॉडीज, देन दे कैन बी प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू बेबी. क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसी में आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो उसके थ्रू हम चलेंगे, तो वो इसी के बारे में बात हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. और उसके अगला जो टॉपिक है वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, तो मोड्स ऑफ जो आपका टॉपिक है हम उसको लेके चलते हैं, फिर उसके थ्रू आपको और अच्छे से आप रिलेवेंट समझ में आ जाएगा. जहाँ तक मैंने आपको बोला आपको ये समझ में आ गया होगा. तो एनसीईआरटी का टॉपिक लेते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. हाँ, तो बात इसकी हो रही थी कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, क्या एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्शन के प्रोसेस के क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं. इसके छह टाइप हैं, इसके सिक्स टाइप्स हैं. सिक्स टाइप्स कौन कौन से हैं वो आप इधर देखें. देयर आर फर्स्ट वन फिजन, सेकेंड वन फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन रीजनरेशन,
फोर्थ वन बडिंग, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सिक्स है स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हो बच्चों? फर्स्ट वन है फिजन, सेकंड वन है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन है रीजनरेशन और फोर्थ बडिंग, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सिक्स है स्पोर फॉर्मेशन। और ये सारे के सारे किसके टाइप हैं? ये हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही सफिशियंट है उनके जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाने में और रिप्रोड्यूस करवाने में। क्लियर हो गया? अब बात आती है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन में से हम वन बाई वन स्टार्ट करेंगे और फिर आपको इसमें समझ में आएगा कि कैसे किस तरह से ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट है आपका फिजन। फिजन का बेटा मतलब होता है कि ब्रेक हो जाना। बात आती है इसके आगे अगर हम वर्ड लगा दें, अगर हम बाइनरी लगा देते हैं तो बाइनरी का मतलब हो जाता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, तो वो बाइनरी फिजन हो जाएगा। और दो से ज़्यादा अगर उसके पीसेस हो जाएं और वो उसमें टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्लियर हुआ? तो फिजन भी कितने तरह से हो सकते हैं? एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मैंने बताया कि बाई का मतलब होता है दो, इसका क्या मतलब होता है? दो, तो टू इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल से नाम ही है, मतलब दो से ज्यादा। क्लियर हुआ? तो हम एग्जांपल लेते हैं बाइनरी फिजन के लिए, हम यूज करेंगे कि बाइनरी फिजन किस तरह से होता है। बाइनरी फिजन, ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो बाइनरी फिजन किस तरह से होता है कि कोई भी जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बीच में से इररेगुलर और रेगुलर दो तरीके से टूट सकती है, किसी भी प्लेन में। किसी भी प्लेन में का मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें, ये है आपका अमीबा, ठीक है, ये आपका अमीबा है और यहाँ पर है इसका ये न्यूक्लियस और ये इसका सब साइटोप्लाज्म है और ये उसके आगे की जो मेम्ब्रेन है। अब ये देखिए, ये तो इररेगुलर शेप होता है, कोई रेगुलर शेप होता नहीं है अमीबा का, तो ये किसी भी प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका मैं नाम लिख देता हूँ अमीबा। अब इसी में आगे ये क्या होगा? ये एक्सपेंड होगा। इसमें आप देखते चले, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा ये न्यूक्लियस भी थोड़ा एक्सपेंड होता है, ठीक है, फैलेगा न्यूक्लियस भी थोड़ा एक्सपेंड होगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियस थोड़ा और एक्सपेंड होगा और ये आपके बोर्ड में भी आता है बेटा, ये वाला डायग्राम आपके बोर्ड में आता है थ्री स्टेप प्रोसेस वाला, तो वन टू थ्री थर्ड वाला आएगा। यहां पर आप देखें इस तरह से इस अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है, आप देखें कि धीरे 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 एक्सपेंड होता हुआ उसकी जो दो सेल, एक सेल है, दो सेल में कैसे किस तरह से डिवाइड होना शुरू हो चुकी है। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, और थर्ड के बाद क्या होता है इसके, इसका एक पीस अलग और ये वाला पीस अलग, तो इससे क्या हो जाते हैं, ये दो पीस बन जाते हैं, यानी कि दो डॉटर अमीबी बन जाएंगे। ये
सर नीचे नीचे वाला ना दिख रहा होगा आपको, तो मैं नीचे वाला सॉरी मैं इसे ऊपर बना देता हूँ, तो दिख रहा होगा अच्छे से। क्लियर? हाँ, तो इस तरह से इसके ना, तो इस तरह से इसके दो डॉटर अमीबी बन के तैयार हो गए। तो यही होता है आपका बाइनरी फेजन, यानी कि एक जो सेल थी, जो एक पेरेंटल सेल थी, वो दो टू इक्वल हाफ्स में किस तरह से डिवाइड हो जाती है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं अमीबा के थ्रू। और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे फिगर, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ फिगर बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये है इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और ये सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया यहाँ यहाँ तक? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये वाला, दोनों टू मार्क्स में आ जाता है कि अमीबा का थ्री स्टेप का बाइनरी फिजन का डायग्राम आप बनाएं। क्लियर हुआ? तो इसमें मैं यही बोल रहा था कि बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, यानी कि टू इक्वल हाफ्स में जब कोई भी एक पेरेंटल सेल डिवाइड हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो ये तो हो गया इररेगुलर। दूसरा एक आप एग्जांपल देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका डायग्राम बना लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल है बेटा आपका लीशमानिया, और लीशमानिया का करने से पहले मैंने इतना समझा दिया, थोड़ा सा आप इसे लिख लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स सेल्स। क्लियर हुआ? ये आप डेफिनेशन इसमें लिख लेंगे फिजन के, बाइनरी फिजन वाले उसमें पार्ट में। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्स ऑफ पेरेंटल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑफ डॉटर सेल्स। यहाँ पे समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद में आपको ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं अब इसके बाद आपको बताता हूँ, ये तो आपने अमीबा वाला देखा था, इररेगुलर टाइप का डिवीजन देखा था। इसके बाद आप देखेंगे लीशमानिया में, मानिया में उनका जो ओरिएंटेशन होता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, इनका अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था अमीबा का। लीशमानिया में क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो वर्टिकल उनमें एक एक प्लेन में, एक यूनिक प्लेन में ही डिवीजन होता है, जिससे उनके टू इक्वल हाफ्स हो जाते हैं। और लीशमानिया क्या है? लीशमानिया एक आपका प्रोटोजोअन है, और ये क्या चीज़ है? ये आपके बॉडी में एक डिसीज कॉज करता है, उसका नाम होता है काला आजार। ठीक है, ये पैरासाइट है, ये काला आजार कॉज करता है डिसीज आपकी बॉडी में। और ये किससे फैलता है? ये स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई से। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लिखें। बाइनरी फिजन आपने अमीबा वाला देख ही लिया है, अब इसके बाद में आपको कुछ पॉइंट लीशमानिया के बारे में लिखवा देता हूँ। लीशमानिया कैन बी डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन इन टू इक्वल डॉटर सेल्स
डॉटर सेल्स इन रेगुलर ओरिएंटेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप नोट करेंगे। लीशमानिया कॉज्ड अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज काला आजार। लीशमानिया कॉज्ड अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज काला आजार। इसी में आगे मैं ऐड कर देता हूं, इट्स स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई। क्लियर हुआ? इससे क्या होता है, ये सैंड फ्लाई से ये फैलती है और हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें कौन सा बीमारी कॉज करते हैं, ये काला आजार कॉज करते हैं। आपको यहाँ पर ये बाइनरी फ्यूजन क्लियर हो गया किस तरह से होता है। अमीबा जो है उसका किस तरह से शेप इरेगुलर था, तो इसलिए उसका किसी भी प्लेन में हो सकता है, इस तरह से किसी भी तरह से टू इक्वल। अब हम देखेंगे बेटा मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन किस तरह से होता है, मल्टीपल फ्यूजन देखेंगे हम। मल्टीपल फ्यूजन जो होता है, मल्टीपल फ्यूजन में यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके बारे में। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन जो होगा ये प्लाज्मोडियम में होता है। एक माइक्रोब है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसे मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं और ये फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज से फैलता है। क्लियर हुआ? और इसमें जो किस तरह से होगा कि इसमें जो इसके सेल हैं और जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटे 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 पीसेस में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनके आस पास एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा आगे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फिर बाद में सेल मेम्ब्रेन बन जाते हैं। तो एक ही सेल से आप देखेंगे एक से ज़्यादा डॉटर सेल्स बन जाते हैं। जैसे कि ये है आप जैसे ये है प्लाज्मोडियम आपका, तो प्लाज्मोडियम में ये अंदर वाला ये है इसका न्यूक्लियस और इसके बाहर चारों तरफ क्या है, ये सब साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ? ये क्या चीज़ है, प्लाज्मोडियम। अब मैंने क्या बताया कि जो इसकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत छोटे 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 पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये बहुत छोटे 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 पीसेस में इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये इनका जो साइटोप्लाज्म है कुछ टाइम बाद इनके चारों तरफ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जैसे इस तरह से ये। तो आपने देखा कि एक ही न्यूक्लियस कई छोटे छोटे पीसेस में टूट के और कितने सारे डॉटर सेल्स बना लेता है, इसी को हम मल्टीपल फिजन का नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, एक उसमें जैसे कि बाहर ये उसका मेम्ब्रेन होगा और इसके अंदर ये चल रहा होता है, तो इस तरह से फिर ये लेयर ये रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद फिर क्या होगा, ये इनके ये जितने भी डॉटर सेल्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि वो रिलीज हो जाते हैं। जैसे फिर मैं यहाँ पर इसका कुछ नोट कर देता हूँ, जैसे कि क्या चीज़ है इसका, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बायो में तो उतना ही अच्छा है, आप डायग्राम ड्रॉ करके आराम से उसे लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि आप कोई भी डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसके नीचे उसका मेंशन जरूर करें कि क्या चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पर है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है? तो यहां पर मल्टीपल फिजन के बारे में लिखते हैं, मल्टीपल फिजन अकर्स इन प्लाज्मोडियम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसको मलेरियल पैरासाइट है ये,
हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट, और इस किसके थ्रू फैलता है, ये फीमेल मॉस्किटो जो है आपके एनाफिलीज उनके थ्रू फैलता है। क्लियर हुआ? अब प्लाज्मोडियम, सेल्स, न्यूक्लियस ब्रेक्स इन, मेनी पीसेस एंड आफ्टर सम टाइम द साइटो प्लाज्म सराउंडेड द न्यूक्लियाई। प्लाज्मोडियम सेल्स न्यूक्लियस, प्लाज्मोडियम सेल्स न्यूक्लियस ब्रेक्स इन मेनी पीसेस एंड आफ्टर सम टाइम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल सराउंडेड द न्यूक्लियाई एंड इट बिकम्स मेनी मेनी डॉटर सेल्स ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका आज फिजन कंप्लीट होता है। मल्टीपल फिजन किस तरह से होता है और बाइनरी फिजन किस तरह से होता है, मैंने दोनों से अच्छे से समझा दिया है। लेकिन इसमें अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, और अगला जो वीडियो आएगा हमारा अगले टॉपिक पर आएगा। और तब तक के लिए थैंक यू।